have you ever felt? Are you listening? वीयू की फीस कैसे पे कर सकते हैं? टेलीनॉर इजी पैसा से, ओमनी दुकान से, बैंक से, और फी वाउचर कैसे अपलोड कर सकते हैं? एटीएम कार्ड से आप घर बैठे अपनी फीस कैसे पे कर सकते हैं? और वीयू का फीस स्ट्रक्चर क्या? ये सारी बातें आज मैं आपको बताऊंगी अपनी इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम अपना LMS लॉगिन करते हैं। ये मेरा LMS लॉगिन पड़ा है। यहाँ पर हम जाएंगे माई डूज में। माई डूज में पेंडिंग फी में हमारी फीस दी हुई होती है जो भी हमने पे करनी है। यहाँ पर चलान आईडी दिया हुआ है। चलान आईडी आप वहाँ पे दोगे अगर आप जा रहे हो टेलीनॉर इजी पैसा की शॉप पर या ओमनी की, तो वहाँ पे जाके आपने चलान आईडी देनी है और अपना फ़ोन नंबर देना है। जब आपकी फ़ीस पे हो जाएगी तो वो आपको टेलीनॉर इजी पैसे की तरफ से भी एक मैसेज आएगा और वीयू वालों की तरफ से भी मैसेज आएगा। यहाँ अकाउंट में अगर आप बैंक से फीस पे करवाने गए हैं तो आपने अकाउंट बुक में आना। अकाउंट बुक में आके जो नीचे जो अनपेड शो रही होगी उसके आपने प्रिंट पर आना है। प्रिंट पे आके ये आपको इधर फी वाउचर शो होगा, इसका आपने प्रिंट निकलवाना है इस सारे का। और आप जिस भी बैंक जमा करवानी है आपने, ये आप उधर लेके जाएंगे, वो आपको इस पर स्टैंप लगा के देंगे। उस स्टैंप की आपने इमेज लेनी है, उसको स्कैन करवाना है और फिर यहाँ पर आपको अपलोड पेड वाउचर शो हो रहा है, यहाँ पर आपने उसको अपलोड करनी है। यहाँ पे आप अपना बैंक नेम देंगे, HBL दे दें, यहाँ पे जो भी ब्रांच उसके जिस ब्रांच में आपने जमा करवाई यहाँ पे उसका ब्रांच नेम देंगे। चूज़ फाइल में वही आएगा जिधर हमने चलान जिस पे स्टैंप लगवाई थी वही वाली आपने इस पे देनी है। यहाँ पे ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा। और ATM कार्ड से आप फीस कैसे पे करेंगे घर बैठे? यहाँ पर आपने पे ऑनलाइन में आना है अगर आपके पास ATM कार्ड है। यहाँ पर आप अपना दें फर्स्ट नेम, यहाँ लास्ट नेम, अभी मैं कुछ भी दे रही हूँ। यहाँ मेल देनी है, पाकिस्तान, एड्रेस देना है अपना, सिटी दें, फ़ोन नंबर कोई भी दे दें और यहाँ पे सबमिट करना है। अगर आपका ये नहीं हो रहा, मेल दे देती हूँ। सबमिट करना है यहाँ से आपने। ये सारी चीज़ें आपको शो हो रही हैं। यहाँ पे आपने कंफर्म पे क्लिक करना है तो घर बैठे आपके ATM कार्ड से फीस जमा हो जाएगी, ठीक है। और VU का फीस स्ट्रक्चर क्या है? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो जिन्होंने अभी न्यू एडमिशन लेना होता है तो वो ये पूछ रहे थे कि VU का फीस स्ट्रक्चर क्या है। उसके लिए हम यहाँ पे आएंगे VU की साइट पर। ये VU की ऑफिशियल साइट है, vu.edu.pk पे आएंगे हम। इधर एडमिशन का सेक्शन है, एडमिशन में आके फीस स्ट्रक्चर में आएंगे। फीस स्ट्रक्चर में ही सारी दी हुई है, फीस स्ट्रक्चर क्या है, लोकल का, ओवरसीज़ का और ये बाकियों का भी दिया हुआ है। तो हम लोकल पे आएंगे। अगर आप ओवरसीज़ हैं तो आप ओवरसीज़ पे जाएं। यहाँ पे सारी जितने भी कोर्सेज हैं उन सारों की फ़ीस सारा कुछ दिया हुआ है, यहाँ पर आपने देख लेनी है। अगर आपके जहन में अभी इससे रिलेटेड कोई और भी सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, जितना जल्दी होगा मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी कमेंट में। और आप ये जानना चाहते हैं कि मैं अपने चैनल को मैनेज कैसे करती हूँ तो tubebuddy.com/viewiq को विज़िट करें। ट्यूबबडी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो ना सिर्फ मेरा टाइम बचाता है बल्कि मुझे मेरी वीडियोज़ प्लान करने में भी मदद देता है। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि न्यू मेरी वीडियो जो भी अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें।